मिरान, रियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? एलिफ रुको, तुम मेरे घर में क्या लेने आए हो? मरना चाहते हो क्या? मुझे मरने का कोई शौक नहीं, मगर तुम्हारा मक्कार पोता मेरे हाथों जरूर मरना चाहता है अजीज अस्लान बे। आजाद कहाँ है? मिरान, रियान कहाँ है? मिरान कहाँ है? बाहर निकल, मैं रियान को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कोनल रुको, ये तुम क्या कह रहे हो? मिरान ने रियान को अगवा कर लिया है? तुम्हारी तो मेहंदी थी आज, क्या हो गया? तुमने रियान को ऐसे कैसे जाने दिया? जिसे तुम ढूंढने आए हो वो यहाँ नहीं है, हटो पीछे। शफीक, दादी जान रुकिए। छोड़ दो मेरी बेटी को। आंटी, कोनल, अगर मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया स्थान पे, तो तुम्हारी पोती भी जिंदा नहीं बचेगी। कोनल, रुकिए। अपने आदमियों को बाहर भेजो। देखो मेरी पोती को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुम्हारी पोती भी मरेगी। मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा है, अपने आदमियों को बाहर भेजो। जल्दी करें, वो मेरी बेटी को मार देगा। आजाद रुको, नानी जान कुछ बोलिए। फौरन अपने आदमियों को बाहर भेजो अजीज असलम्बे, जल्दी करो। हटो पीछे। कोनल, रुको, जल्दी करें, अभी मुझे बचाए। कोनल, वहीं रुक जाओ। मैं कहती हूँ मेरी पोते को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मेरी बेटी को। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, मेरे पीछे मत आओ। रुक जाओ वहीं पे। अभी मुझे बचा ले। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। हमारी छोटी सी गलती इसकी जान ले लेगी। मेरी बेटी बेकसूर है, छोड़ दो इसे। आगे मत बढ़ो, अपने आदमी को बोलो कि पीछे रहे, पीछे हटो। अजीजा मैडम, मान लीजिए नानी जान, अपनी गन नीचे फेंको, नीचे फेंको। अम्मी, आगे मत आओ, चलो। अम्मी, छोड़ दो मेरी बेटी को, इसका कोई कसूर नहीं है, छोड़ दो। बैठो, छोड़ दो, जल्दी, मैंने कहा बैठो। किसने कुछ नहीं किया? जब तक रियान मुझे नहीं मिलती, तब तक ये मेरे पास ही रहेगी। सुल्ताना, छोड़ दो, छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ गाड़ी के पीछे, जल्दी करो। कोनल, अभी मुझे बचाइए। मेरे कोनल को ले गया सुल्ताना। कोनल मेरी बच्ची, सुल्ताना छोड़ो मुझे, मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ लेके गए मेरी बेटी को? संभाले, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मैंने असलान बे खानदान पर एक औलाद कुर्बान की। मेरे बेटे की मौत की आग मेरे दिल में अब भी है। क्या चाहती है आप कि मैं अपनी बेटी को भी असलान बे खानदान पे कुर्बान कर दूं?
मीरान असलान बे पे अपनी बच्ची को कुर्बान कर दूं, चाहे मीरान की जिंदगी दांव पे लगी हो, चाहे आप इंतकाम की आग में जल रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बच्ची हर हाल में वापस चाहिए, समझी आप? मैं उसे वापस लेके आऊंगी। आंटी रुको, एलिफ जाने दो उसे बेटी। क्यों जाने दूं उनको, बताइए क्यों जाने दूं? नानी जान, आजाद गुलाबी को नुकसान पहुंचा सकता है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे गुलाबी को नुकसान पहुंचे। बस करें, खत्म कर दे ये खेल नानी जान, अब बहुत हो गया, बस कर दे नानी जान, बस। गोनल, मेरी बच्ची, खिजर अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, तुम्हें उससे पहले रेहान तक पहुंचना होगा और वो तुम्हें जैसे ही दिखे मार दो उसे, ताकि उसके कत्ल का इल्जाम इस्लाम बे वालों पे लग जाए। और रेहान किसी भी हालत में शादोलो हवेली बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कंप्लेन लिखवा दी ना उनके खिलाफ, इसके अलावा हम मजीद कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। अब तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, चलो घर चले। आप जाएं, अगर जाना है तो मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही आऊंगा वापस। खिजर, आखिर कर क्या लोगे तुम अकेले? अगर नौबत आई तो मैं अकेला सारा मिदियात छान मारूंगा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। बाबा पीछे नहीं हटने वाला जब तक मेरी बेटी उस शैतान के पास चैन से नहीं बैठूंगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना मेरे रास्ते में बताइए। खिजर, बाबा बाबा आप चाहे कुछ भी कर ले उसे रोक नहीं सकते। देखें हम वापस चलते हैं, मुझे आजाद की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे डर है वो कोई अहमकाना हरकत ना कर दे। आजाद के पास बहुत से लोग हैं, फिलहाल तुम्हें देखना चाहिए कि खिजर क्या कर रहा है। हम खिजर को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। लोग कहेंगे शादोलो वाले एक लड़की नहीं संभाल सके, मगर अभियान का हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चलो तुम्हारे छुपने के लिए इस दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ूंगा मैं मीरान, तुम्हें भी वही तकलीफ पहुंचेगी जो मुझे पहुंची है। मेरा क्या कसूर है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मेरी क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? खामोश रहो, खामोश। अब अस्तम भाई को पता चलेगा हमारे घर से लड़की अगवा करने का क्या मतलब है। तुम उस वक्त तक घर नहीं जाओगी जब तक रियान नहीं मिल जाती है मुझे। जो तकलीफ रियान उठा वो दुख और तकलीफ है तुम भी उठाओगी, तब तुम लोगों को समझ आएगा। रोना बंद करो, बंद करो रोना, मैंने कहा रोना बंद करो। Oh,
सुकून छीन लिया उस लड़की ने, जबकि वो शादोला फैमिली का खून तक नहीं है। बस करो तुम, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? जहरा तुम शादोलो, शादोलो मेरी बेटी कहाँ है? गोनल, सुल्ताना खानम मेरी बेटी कहाँ है? सुल्ताना खानम मेरी बेटी कहाँ है? गोनल कहाँ है? गोनल यहाँ क्या कर रही हो? अपने बेटे से कहो मेरी बेटी वापस लेकर आए, जल्दी बात करो। कहाँ लेके गया मेरी बेटी को? क्या बोल रही है? छोड़ो हमें। तुम्हारी बेटी को क्यों लेके जाएगा? नहीं कर सकता, पागल हो गई हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ो उसे। तुम जानती नहीं हो मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। मैं अजीज़े खानम की तरह 27 साल इंतजार नहीं करूँगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। छोड़ो। नहीं कर सकता? सर पे गन रखे वो मेरी आंखों के सामने उसे ले गया। मैं तुम्हारे बेटे को अपने हाथों से मारूंगी, समझी तुम? जब हमें मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है तो हम कैसे बता सकते हैं? छोड़ दे इन्हें, पीछे हटो। सुल्ताना खानम ये क्या कर रही हो? मेरे पास गोनल के अलावा कुछ भी नहीं है जो मैं खो सकूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। बस करो सुल्ताना खानम। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारे पास गन होती तो तुम हम सबको मार देती। हाँ सही कहा ना, क्योंकि तुम भी अनजाने में मिदियात की सड़कों पर निकल गई और ये सड़क यहाँ तक ले आई तुम्हें। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी टांगे ऐसे कांप ना रही होती। तुम यहाँ तक सिर्फ एक उम्मीद पे आई हो कि शायद तुम्हारी बेटी यहाँ होगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ये हालत भागने की वजह से नहीं हुई बल्कि अपनी बेटी को यहाँ ना पाने की वजह से हुई है। मैं सच कह रही हूँ तुमसे, वो यहाँ पर नहीं है सुल्ताना खानम। किसी को नहीं पता कि वो किस हाल में है। तुम परेशान हो ना कि तुम्हारी नाजुक से बली बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं भी ऐसे ही परेशान थी अपनी बेटी के लिए। अब तुम्हें एहसास हो रहा है ना कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो मेरी क्या हालत थी। क्योंकि हम दोनों एक माँ हैं, माँ हैं हम, और माँ में कोई फर्क नहीं होता। दुनिया की सारी माएं एक जैसी ही होती है। हम दोनों में बस एक ही फर्क है जहरा, मैं तुम्हारी तरह वापस नहीं जाऊंगी जैसे तुम गई थी। जब तक मेरी बेटी नहीं मिलती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम पीछे रहो, पीछे हटो, कोई आगे ना आए, पीछे रहना। अम्मी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, यकीन करो। तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पीछे हट जाओ, मेरे पास मत आना। ऐसे नहीं करो, पागल हो गई हो तुम? इधर आओ तुम, छोड़ दे इसे। खबरदार मेरे करीब मत आना, इस सब की जिम्मेदार तुम हो। अम्मी तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। तुमने ही अपने भाई को मशवरा दिया था ना मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता। जाओ यहाँ से, जाओ। गोनल, गोनल मेरी बच्ची, मेरी बेटी, गोनल, गोनल, गोनल। जाओ, छोड़ो गोनल, जाओ यहाँ से। शादोलो, दरवाजा खोलो, सब कुछ चला के राख कर दूंगी। मेरी बेटी वापस करो, खोलो।
मैंने कहा दरवाजा खोलो। गोनल, गोनल, मेरी बच्ची, मेरी बेटी वापस दो। गोनल, मेरी बेटी वापस दो। गोनल, इस दुनिया में मेरा उसके अलावा कोई नहीं है। सुल्ताना खानम, बेटी की जुदाई क्या होती है ये सिर्फ एक माँ का दिल ही जानता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो माँ की ममता समझ सके, माँ और औलाद का रिश्ता समझ सके। तुम्हारी बेटी की जुदाई ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है और मैं जानती हूँ कि ये बंद दरवाजा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो मैं इंसानियत के नाते तुम्हें दे देती, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे दरवाजे पर इसी दर्द के साथ आई थी। बस करो, दरवाजा खुला, अंदर आ सकती हो। मलाइका, अम्मी को पानी दो। बैठो आराम से। आजाद, मेरे बच्चे, ये क्या कर दिया? यकीन नहीं आ रहा कि आजाद ऐसी हरकत भी कर सकता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अपना मुंह बंद रखो। सच्ची तो कहा है मैंने, आजाद उस लड़की को अगवा करके ले गया है। क्या समझते हैं आप सब, क्या अजीजा खामोशी से बैठेगी? वो बदले की आग में 27 साल से जल रही है और इंतकाम लेने की कोशिश कर रही है। क्या याद नहीं है आप लोगों को, पूरी मीडिया के सामने अजीजा अरसलान बे ने शादोलो फैमिली को कैसा शर्मिंदा किया था? मुझे तो डर लग रहा है कि वो आजाद को कुछ कर ना दे। अल्लाह सब पे आसानी करे। बस बहुत हो गया, अपना मुंह बंद रखो हनीफा। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या हालत हो गई है इनकी? तुम अजीजा को इतना कैसे जानती हो? पहले उन्होंने इस घर की बेटी को अगवा किया। अगर इस्लान बे की बेटी है तो क्या शादोलो की बेटी नहीं है? है। वो आएंगे, वापिस आ जाएंगे। चलो अंदर। यहाँ क्यों ले
मुझे। बोलो आजाद, बोलो, चुप क्यों हो तुम? ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं, चुप रहो। क्यों चुप रहूं मैं? अकल कसूर क्या है मेरा जो इस तरह तुम मेरे साथ कर रहे हो? क्या तुम अब रियान का मतलब मुझसे लोगे आजाद? रियान का नाम भी मत लेना तुम। मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे साथ वही सब कुछ करोगे जैसे रियान को बीच बाजार में पिंक की बेइज्जत किया था, है ना? मैं जानती हूँ तुम यही करोगे। पूरे विद्यात में तुम हमारे खानदान को रुसवा करके बदला लेना चाहते हो। खामोश, खामोश। अपना मुंह बंद करो, मुझे रियान के साथ किया गया जुल्म को याद मत दिलाओ। मेरी बात याद रखना आजाद, तुम हमारी हवेली से तो बचकर यहाँ तक आ गए हो, लेकिन ज्यादा देर छुप नहीं सकोगे। मेरी फैमिली मुझे ढूंढ लेगी और तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकोगे। हाथ नहीं लगा पाऊंगा मैं? मेरे पास मत आओ। मुझे हाथ लगाने से अच्छा है मुझे मार दो। दूर रहो। मेरे पास मत आओ। बचाओ, करीब नहीं आना। दूर रहो। खुदा का वास्ता, छोड़ दो मुझे। नहीं बांधो। खामोश। क्यों बांधा है मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या है? बंद करो, बहुत हो गया। रोने की आवाज भी ना आए। मैंने जिस रुमाल से तुम्हें बांधा हुआ है ये वो है जो रियान को अगवा करते वक्त तुम्हारा शौहर वहां छोड़ गया था। जब रियान वापस आएगी और ये रुमाल अपने सर पर रखेगी उसके बाद ही तुम यहां से जा सकती हो, समझी तुम? अगर तुम ये सोच रहे हो आजाद कि तुम रियान की तरह मुझे बदनाम करोगे तो उससे पहले मुझे मार दो। किसने ऐसा किया रियान के साथ? किसने सांस लेना मुश्किल कर दिया उसका? अब तुम कह रही हो कि रियान की तरह होने से अच्छा है कि मर जाओ तुम? अब तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे साथ भी वही सुलूक ना हो जो तुम लोगों ने रियान के साथ किया था? क्या रियान इंसान नहीं है? क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या उसे तकलीफ नहीं होती? जो कुछ रियान के साथ हुआ है सिर्फ तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों ने उसकी जिंदगी खराब कर दी और उसके बाद भी तुम लोगों को सुकून नहीं मिला। तुम्हारा शौहर, तुम्हारी दादी, तुम्हारी अम्मी, जो भी मीरान की मदद कर रहा है सब मुजरिम है। जो सब उसे नहीं रोक रहे वो सब के सब उस मासूम लड़की के मुजरिम है। लेकिन अब और हरगिज नहीं। अच्छी तरह सुन लो तुम, मैं रोकूंगा। अगर अब एक बार भी तुमने रियान का नाम लिया तो मैं तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो रियान के साथ हुआ था। उसके बाद तुम खुद सोच लेना कि तुम जीना चाहती हो या फिर मरना है तुम्हें। मुसीबत क्या है? जमीन कहां गई? आसमान निकल गया उसे। आखिर कहां चली गई वो समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं अब? खिजर, सब्र से काम लो, हौसला रखो, ढूंढ लेंगे उसे। बाबा, अगर हम इसी तरह पागलों की तरह उसे जगह जगह ढूंढते रहे तो हम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। न जाने वो कौन से कोने में छुपे बैठे हैं। मुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही है, मैं घर जाना चाहता हूं। बाबा तुम सब्र करो। हमदान, मेरी बेटी अगवा हुई है, दुश्मनों के हाथों में है। वो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या तुम एक बाप नहीं हो? क्या मेरा दुख नहीं समझ सकते? आपको मेरी हालत का अंदाजा नहीं? हाँ, कुछ अंदाजा है आपको कि मेरी क्या हालत है? उस वक्त क्या किया जब आपकी बेटी को मेरे बेटे के सर पर मुसल्लत किया गया? मैं बताता हूँ क्या किया आपने। पहले आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ और इसके बाद अपनी बेटी को मेरे बेटे के लिए छोड़ दिया। बस बहुत हो गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब, मैं पागल हो रहा हूँ। सोच समझ कर बोला करो तुम जहान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा तुम पे निकल जाए। आखिर ये कैसी दुश्मनी है? किस चीज का बदला ले रहे हो तुम? किस चीज का? बहुत हो गया, बस। तुम्हें जितना छोड़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही दूर होते जा रहे हो। बहुत हो गया ड्रामा, बस करो। ठीक है, चले जाएं आप लोग। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढ के घर लेकर आऊंगा। सुना? हाँ बोलो आजाद, रियान के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? नहीं अंकल, अभी तक कोई खबर नहीं मिली, मगर वो रियान को खुद वापस लेकर आएगा।
क्या? कुछ इंतजाम किया है। क्या क्या बोल रहे वो? क्या थे? भाई पागल हो गए तुम? ये तुमने क्या किया? ऐसा क्यों किया? बाबा ये भाई क्या कह रहा है? इसकी बेटी की वजह से मेरा बेटा कातिल बन गया, मेरे बेटे के हाथ खून से रंग गए। नहीं सर, फोन मुझे दो भाई। आखिर हुआ क्या है पहले सुन लो। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि जब तक गुणाल वापस नहीं करोगे, जब तक रियान नहीं मिल जाती, क्या तुम्हें लगता है कि गुणाल को अगवा करके तुम सब कुछ ठीक कर लोगे? किसे अगवा किया? किसे अगवा किया? फोन मुझे दो। मैंने कहा छोड़े मुझे। होश में आओ। मेरी बात सुनो आजाद, मेरी बात सुनो आजाद, तुम कोई भी बेवकूफी ना करना। मेरी बात सुन रहे हो ना आजाद? कोई भी बेवकूफी करने की जुर्रत ना करना आजाद। जोश से काम भर किस्मत लेना, जुर्रत ना करना आजाद। मुझे बताओ कहां हो तुम? मैं अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास, ठीक है? आजाद बंद कर दिया। आजाद ने गोनल को अगवा कर लिया है। कह रहा है कि वो गोनल को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक रियान ना वापस मिल जाए। हाँ तो अब बताओ मुझे, तुम्हारा शौहर रियान को कहाँ ले गया होगा? मुझे कैसे पता होगा? पता होता तो यकीनन अब तक यहाँ ना होती। और तुमने ही तो बताया कि मीरान ने रियान को किडनैप किया है। कैसे अगवा किया? मतलब कैसे ले गया वो? वो उसे घोड़े पर लेकर गया है और हम सबको पागल बनाकर छोड़ दिया। मक्कार, तो वो इतना निडर हो गया है रियान की वजह से, और वो उसकी वजह से हम सबके खिलाफ चला गया है, और इस बार वो हम सबको छोड़ के और नाराज करके चला गया सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। क्या हुआ है? तुम इतनी अफसरदा क्यों हो गोनल? किस चीज का इंतजार है? तुम ही तो आई थी ना रियान का रिश्ता मांगने। तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए बेहतर है खामोश रहो। तुम कहना चाहती हो मैं कुछ नहीं जानता? किसे पता है कि दुश्मनों के दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आती कैसा खानदान है तुम्हारा। तुम सब लोग कितने बड़े मक्कार हो। तुम्हारा ये खेल अब नहीं चलेगा, सुना तुमने? चलो कुछ खा लो। ऐसे कह रहे हो जैसे कैंडल लाइट डिनर है। हाँ मैं तो कैंडल्स भी ला रहा था, लेकिन तुम लोगों की हैसियत को देखकर मैंने कहा खाना ले जाऊं तो वो ही काफी है, क्योंकि तुम लोग तो इसके भी काबिल नहीं। ठीक है, फिर तुम ही इसे मजे से खा लो। सुनो, सोचो वो कहां गया होगा, मुझे बताओ और खुद भी यहां से जाओ। मैं भी अपना वक्त यहां जाया करना नहीं चाहता। मुझे क्या पता, जब से मिदियात में आए हैं मीरान किससे मिलता है, क्या करता है, मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि हर वक्त रेहान के पीछे पीछे फिरता है। अजीब बात है, तुम लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। अगर कोई सुनेगा तो यही कहेगा तुम्हें इंतकाम के बारे में भी कुछ नहीं पता। तुम लोग झूठ बोलने में भी कितने माहिर हो चुके हो। तुम लोगों की मक्कारियों से तो शैतान भी पनाह मांगता होगा, इतने मक्कार और चेहरे इतने मासूम। बस बहुत हो गया, तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि हम लोगों पे क्या गुजर रही है? सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। तुमने अपने शौहर के लिए दूसरी लड़की का हाथ मांगा, कोई इंसान ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता है? और अब देखो तुम डर रही हो कि जो रियान के साथ हुआ कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। जब उस लड़की का हाथ मांग रही थी मेरे दिल पे छुरियां चल रही थी, लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम तो हमसे बदला लेना चाहते हो ना। हाँ, मैं अपने बचपन के ख्वाब को खुद ही मिटा रही थी,
अगर मैं इस काम के लिए मजबूर ना होती तो क्या करती मैं ये काम, बताओ जरा आजाद। ठीक है, अब सब कुछ समझ आ रहा है मुझे कि मीरान तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम तो अपने आप को बहुत अलग समझ रहे हो। क्या रियान प्यार करती है तुम्हें? तुम मुझे बुरा समझते हो ना? तुम हो ही बुरी। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं रियान और उसकी माँ को तकलीफ दूं। मीरान से प्यार करना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। मैं तो उसे बचपन से ही प्यार करती हूँ। बाद में पता लगा कि हमारी शादी होगी, ऐसा लगा कि सारी दुनिया मेरी है। लेकिन बाद में इंतकाम का पता लगा, उस इंतकाम की वजह से मुझसे दूर रहा। पहले इंतकाम इंतकाम कहते रहे, फिर मुझे कहा कि हम एक साथ नहीं रह सकते। अब कहो, क्या कहोगे तुम? क्यों किया इंतजार? बहुत बड़ी गलती की तुमने। एक बात बताओ, तुम रियान से मुंह मोड़ सकते हो क्या? तुम्हारी सिचुएशन भी बिल्कुल मेरी तरह है। मुझ पे क्या गुजर रही है तुम नहीं जानते। ये एक ऐसी जगह है जिसमें ना गोलियां चलती हैं और ना ही तलवारें, बल्कि सिर्फ इंसानों के जज्बात से खेला जाता है। जिस तरह इस जंग में मैं नाकाम रही हूं, बिल्कुल इसी तरह तुम भी नाकाम रहे हो आजाद। बताओ क्या फर्क है हम दोनों में? और कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके कि बैठ के देखेंगे कि कौन जीतेगा इस जंग में। आजाद, तुम भी मेरी तरह एक ही ख्वाहिश रखते हो। रियान तब वापस आएगी जब मीरान वापस आएगा। वो आएगा और रियान को भी लेकर आएगा। मीरान रियान को मेरे लिए वापस नहीं करेगा, लेकिन एक शख्स उसे वापस ला सकता है। कौन? फोन दो मुझे अपना। सोच क्या रहे हो? मीरान का फोन नहीं आया अभी तक? नहीं दादी जान, अभी तक फोन नहीं आया, लेकिन मैंने कॉल की थी, उसका फोन बंद है। आखिर गया कहाँ वो फिरात? ढूंढो उसे जल्दी। होटल चेक किए तुम लोगों ने? हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। हेलो अम्मी। गोनल, तुम ठीक हो? तुम कहाँ हो? लाउड स्पीकर खोले, लाउड स्पीकर। अम्मी प्लीज मुझे बचाए इस लड़के से। बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं 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 दादी, मैं अब तक तो ठीक हूँ, लेकिन आजाद पागल हो गया है। अगर रियान वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो रियान के साथ हुआ है। गोनल, तुम इस वक्त हो कहाँ? मुझे नहीं मालूम। वहाँ जाते वक्त तुमने कोई साइन बोर्ड देखा होगा, इधर उधर कुछ तो बताओ। मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और यहाँ बहुत अंधेरा है। गोनल तुम परेशान मत हो, हम अभी कुछ करते हैं। सब्र से काम लो बेटी। दादी जान, इससे पहले कि आजाद कुछ करे मुझे यहाँ से ले जाए। आजाद बिल्कुल पागल हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी वॉशरूम गया है, मौका देखकर उसके फोन से कॉल किए, बस आने ही वाला है। मुझे बचा ले इससे, ये मुझे जान से मार देगा। आजाद नहीं, छोड़ो मुझे, ऐसा नहीं करो। बस इतनी सी बात थी। कितनी मक्कार हो। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। करे फोन उसको,
मैं आपके पांव पड़ती हूँ, प्लीज कुछ करें, मेरे साथ जो मर्जी करें, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। मीरान को बुलवाएं, हम उनकी लड़की वापस देकर अपनी गोनल ले आते हैं। सुल्ताना खड़ी हो, मैं कहती हूँ खड़ी हो, मैंने तुम्हें हमेशा सीधा रहना सिखाया। आपने सुना नहीं गोनल क्या कह रही थी, कुछ करें प्लीज, मेरी बेटी की दूरी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, वापस कुछ करें, उसको वापस लेके आए। मैं वापस लाऊंगी उसे, वापस लाऊंगी। खड़ी हो सुल्ताना, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, संभालियो खुद को। आजाद उसका बाल बीबी का नहीं कर सकता, सुल्ताना खड़ी हो जाओ। सुल्ताना खानम आइए चले अंदर, खड़ी हो तो उठिए, चलो ठीक है, तुम्हारी दादी की खैर है, लेकिन हैरत है मुझे, ये सब करते हुए तुमने अपनी माँ का भी नहीं सोचा। कुछ भी हो गोनल, आखिर माँ है तुम्हारी, वो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कितनी परेशान होंगी वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और भी ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास कोई और ऑप्शन भी था क्या? दादी जान और परेशान और मीरान को ढूंढना शुरू कर दें, वरना ये मामला यहीं पे लटका रहेगा, इसलिए तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करो। मेरी छोड़ो, अपनी बात करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस रात तुमने खुद अपने आप को छुरी मारी थी और इल्जाम रियान पर लगा दिया था। मीरान के लिए अपनी जान तक की परवाह ना करूं, और तुम आजाद साहब सिर्फ हाथ में पिस्तौल लेकर लड़की किडनैप कर सकते हो और कुछ नहीं। तुम मीरान के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो गोनल? क्या वो भी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर सकता है? क्या है कोई जवाब इस बात का? तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी दादी जान ने अब तक मेरी तलाश शुरू कर दी होगी, और इस कॉल के बाद दादी जान मीरान को भी ढूंढ लेंगी और रियान को भी उससे दूर ले जाएंगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। चलो देखते हैं, जो तुम कह रही हो ऐसा होगा भी या नहीं। वैसे क्या दादी तुमसे इतना प्यार करती है? बाबा कहीं पता नहीं चल रहा, हर जगह ढूंढ लिया उसे, न जाने जमीन निकल गई आसमान खा गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उस अजीजा ने हमारे बेटे को हमसे पहले ढूंढ लिया तो क्या होगा? उसने अपने लोगों को तलाश में लगा दिया होगा, मैं जाकर उस अजीजा को ही खत्म कर देता हूं ताकि यह मसला यही खत्म हो जाए। जाने दे मुझे बाबा। रुको, यहां पहले ही सब बहुत परेशान है और तुम एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, ऐसा करने से क्या आजाद और रियान घर वापस आ जाएंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि रियान इस हवेली में दोबारा वापस आएगी? क्या बात है बाबा, पहले भी आपके इन्हीं फैसलों की वजह से हम सब मुसीबत में आ गए थे, अब क्या चाहते हैं कि हम अपनी कब्रें भी यहाँ पर तैयार कर लें? खानदान, अपनी जुबान को लगाम दो और अपनी हद में रहना चाहिए तुम्हें। मुझे अगर पता होता कि मीरान अगवा कर लेगा उसको तो उसे वहीं ना मार देता। आपको कैसे पता कि रियान अगवा हुई है? हो सकता है कि रियान अपनी मर्जी से उसके साथ गई हो। यारिन अपनी जबान कंट्रोल में रखो, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी ठीक कह रही है, मैं सब कुछ देखने के बावजूद खामोश हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि रियान अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं गई? खामोश, मैं चुप नहीं रहूंगा। खामोश हो जाओ। अगर ये अपनी बेटी पर नजर रखते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता जान, और ना ही मेरा बेटा इस मुसीबत में होता। आजाद की कॉल है, क्या आजाद तुम कहाँ हो? हम सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। आजाद, आजाद बेटा कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि तुमने खुद को मुसीबत में डाल दिया है बेटा? ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी कि तुम्हें अपनी जिंदगी तक की कोई परवाह नहीं? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? हाँ, क्या मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहता? रियान मेरी बीवी बनने वाली थी, मेरी। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, उन लोगों को बस यही समझ समझ में आती है। इतनी बचाल के वो हमारे घर पर आकर रियान को किडनैप करके ले गए। हो सकता है रियान किडनैप ही ना हुई हो। ये भी हो सकता है कि रियान अपनी मर्जी से गई हो। सोचो जरा, रियान खुद कॉल करके भी तो मीरान को बुला सकती है ना? उस दिन क्या हुआ था याद है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा वो लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? खानदान, बस बहुत हो गया। तुम भाई आजाद गोरल को छोड़े और रियान को ढूंढने में फोकस करें। आजाद, क्या हुआ है? मीरान को कुछ हो गया है क्या? तुमने उसके साथ क्या किया है? बोलते क्यों नहीं, जवाब दो मुझे। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। रेयान अपनी मर्जी से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ये क्या कह रहे हो तुम आजाद? अभी तक आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वो रेयान है। कभी गलती नहीं कर सकती, कुछ गलत नहीं कर सकती, है ना? वो बिल्कुल मासूम है और हमेशा बाकी लोगों की वजह से ही वो सिर्फ मुसीबत में होती है ना? ठीक है, मत करे मेरा यकीन, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि वो खुद से गई है। मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। अब ये कौन सा नया ड्रामा करने लगी? मुझे नहीं पता इस बारे में जान। ये देखें, हाँ? देखें, आप भी देखें, ये देखें दादा जान, आपकी वही मासूम और साफ सुथरी पोती इसको छुपा कर बैठी थी। मीरान के सामने जब उसने ये कहा था ना कि वो उसको नहीं चाहती है, वो सब गलत था, झूठ था। वो अपने कमरे में बैठकर चुपके चुपके इसको देखकर रोती थी, वो भी उसके लिए जिसकी वजह से आज हमारा पूरा खानदान मुसीबत में पड़ा है। वाह भाई वाह, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी याद सताती है। खानदान, तुम्हें असलियत का पता ही नहीं है, समझी? ऐसी बातें करके जल्दी पे तेल मत डालो। बस बहुत हो गया जहान, अपनी बेटी को समझाओ। आप लोग अभी यही समझते रहे कि रेयान को किडनैप करके ले गया है वो। वो ये शादी भाई से सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वो इस हवेली में रह सके, और जब उसे पता चला कि ये पॉसिबल नहीं है तो भाग गई वो, और अब मीरान को धोखा दे रही है और हमें इस हाल में छोड़कर चली गई है वो। असल बेकसूर तो मेरा भाई है, मेरा भाई बेचारा। तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। क्या हुआ, तुम्हें शक हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेयान ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी जुबान तो यही कह रही है, लेकिन आंखें कुछ और। देखो आजाद, अब ये तो क्लियर हो गया है कि तुम लड़कियों को नहीं जानते हो। मुझे इतने थोड़े टाइम में पता चल गया है कि रेयान कितनी चालाक है, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। तुमने मुझे अपनी जुबान से नहीं बताया था कि रेयान के साथ क्या क्या हुआ है। कोई भी औरत किसी और बंदे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, समझे तुम? और एक बात, मीरान जब तुम्हारी हवेली में आकर रेयान को ले जाने का कह रहा था, तब भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि रेयान कितनी नफरत से मीरान को देख रही थी। आजाद, अगर उसको जाना होता तो वो बहुत पहले जा चुकी होती। इतना सब कुछ होने के बाद आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जरा सोचो। एक दफा जाने की कोशिश की लेकिन फिर वापस घर आ गई। मान लिया कि तुम्हारी मोहब्बत की वजह से नहीं आई, लेकिन तुम्हें इम्पोर्टेंस देती है, नहीं पता कैसे, लेकिन तुमने रेयान को सोचने पर मजबूर किया है। चलो मान लिया रेयान की मर्जी ना हो, हो सकता है मीरान जबरदस्ती ले गया हो। हम जा रहे हैं। क्या, बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ नहीं हूं, वैसे भी गुस्से में आके सब किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। इसका मतलब यह है तुम पीछे हट रहे हो। पीछे नहीं हट रहा, बस अपनी गलतियों को सुधार रहा हूं मैं।
दादी जान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। डरता नहीं हूँ तुम्हारी दादी से, और वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब देख लो मैंने क्या किया है, तुम्हें तुम्हारे ही घर से किडनैप करके लेकर आ गया। खैर छोड़, मैं मेरान की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। दूसरों का एहसास करता हूं, मेरान की तरह बेहिस नहीं करता। करने पर मजबूर किया आजाद, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। विराट को हासिल करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मीरान ने रियान को वापस ना किया तो, अगर उन्होंने हमारी बेटी को वापस ना किया तो हमारा क्या होगा? सुल्ताना मैडम, आजाद आया और मेरी बेटी को ले गया। गोनल कल रात से उसके कब्जे में है, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। तुम अभी तक यहाँ कर क्या रहे हो? तुम अपनी बड़ी अम्मी के साथ क्यों नहीं गए? हमारे लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, गोनल को ढूंढ कर निकाल लेंगे, बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आजाद बुरा नहीं है, वो कुछ गलत नहीं करेगा। तुम्हें क्या पता उसके बारे में? तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? मैं जानती हूँ उसे। हेलो, मुझे आकर बचा लो। मैंने शायद आजाद को कत्ल कर दिया है। तुम ये क्या कह रही हो? तुम ठीक हो? प्लीज फिरात, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। प्लीज फौरन आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। कौन है? क्या गोंदल का पता चल गया? नहीं, बिजनेस से ताल्लुक। तुम किस बिजनेस की बात कर रहे हो? तुम ऐसे हालात में बिजनेस कैसे कर सकते हो? मेरी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन मेरा यकीन करें बहुत जरूरी है। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, ठीक है? अम्मी, मैं अभी आता हूँ। फिरात, तुमने प्लानिंग खराब करके गलती की। वैसे अगर ये प्लान नहीं भी होता, फिर भी विरान मेरे पास नहीं आता और ना ही मोहब्बत मिल सकती। हम वो लोग हैं जिनको मोहब्बत छीनना पड़ती है, लेकिन तुम नहीं समझ सके। यहाँ हर कोई अपनी मोहब्बत की खातिर दूसरे की जिंदगी दांव पर लगा रहा है। अब देखो तुम किस हाल पे पहुंच गए। यही डिफरेंस है हम दोनों में कि तुम रियान को तकलीफ नहीं दे सकते और मैं तो रियान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और किसी की जान भी ले सकती हूँ। गोनल, विराट, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ क्या हुआ है? विराट, अभी प्लीज ये सब मत पूछो, तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी। चलो यहाँ से। हम आजाद को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं ठीक नहीं हूँ। गुण,